मैं डॉक्टर दिव्या इंद्रन वैज्ञानिक डी मौसम केंद्र भोपाल। प्रदेश की मौसम के बारे में देखा गया तो पिछले 24 घंटों में मध्य प्रदेश के कुछ इलाकों में थंडरस्टॉर्म और कुछ जगहों पे हेवी रेनफॉल भी दर्ज किया है। वेस्ट एमपी में 3 स्टेशन में हेवी रेनफॉल रिपोर्ट हुआ। सबसे ज्यादा आया थार में 81.8 मिलीमीटर दर्ज किया है। आइसोलेटेड बारिश दर्ज किया है। छिंदवाड़ा में 15.9 मिलीमीटर दर्ज किया। काफी जगहों में थंडरस्टॉर्म और बिजली का भी प्रभाव हमने देखा। और हाईएस्ट टेम्परेचर ग्वालियर में हुआ वेस्ट एमपी में 42.8 डिग्री और ईस्ट एमपी में रीवा में 44.6 डिग्री दर्ज किया है। और उमरिया में वार्म नाइट कंडीशंस परसिस्टेंट। अभी के सिस्टम के बारे में देखा गया तो पिछले दिन में जो नॉर्थ वेस्ट यूपी में जो सर्कुलेशन था वो अभी भी परसिस्टेंट है 1.5 किलोमीटर में। पर आप यहाँ पे देख सकते हैं आज भी काफी जगहों में थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी चालू है। ये जो नीला रंग में दिख रहे हैं वहाँ काफी कन्वेक्शन हो रही है और थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी आने वाले दिनों में भी हमारे रीजन में कंटिन्यू रहेंगे। तो अभी यहाँ आप देख सकते हैं साउथ ऑलमोस्ट सदर्न डिस्ट्रिक्ट में सारे जगहों में हमने थंडरस्टॉर्म के साथ साथ गस्ती भी 40 से 50 किलोमीटर की रेंज पर गस्ती भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं। और सेंट्रल और नॉर्थन डिस्ट्रिक्ट में भी नॉर्थ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट में भी थंडरस्टॉर्म के साथ साथ गस्ती भी 30 से 40 किलोमीटर पर आवर का गस्ती भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं। नॉर्थ ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट में अभी भी टेम्परेचर 44-45 रेंज में है। तो ये जैसे सतना रीवा और ये स्थिति अभी आने वाले दिनों में भी कंटिन्यू रहेगा। ऑलमोस्ट सदर डिस्ट्रिक्ट में थंडरस्टॉर्म का तीव्रता थोड़ा ज्यादा रहेगी और सेंट्रल और ईस्टर्न साउथ वेस्टर्न डिस्ट्रिक्ट में येलो रेड में दिया है थंडरस्टॉर्म के साथ साथ 30 से 40 किलोमीटर पर आवर का विंड स्पीड। और नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट में भी जैसे ग्वालियर चंबल रीजन में भी कल थंडरस्टॉर्म का चांसेस है। और हीट वेव कंडीशन जो नॉर्थ ईस्ट एमपी का ये जो डिस्ट्रिक्ट है उसमें आने वाले एक दो दिन कंटिन्यू रहेंगे। और 14 का देखा गया तो 14 को भी अभी सदर्न डिस्ट्रिक्ट में काफी थंडरस्टॉर्म और इसका गस्टी विंड का चांसेस है। ये सीजन स्पेशली मानसून जैसे ऑनसेट होने से पहले एटमोसफेयर में छोटे सी नमी है तो भी मतलब कन्वेक्शन काफी इंटेंस होने का चांसेस है। टेम्परेचर काफी जगहों में 40 के आसपास है इसलिए शाम के टाइम तक क्लाउड फॉर्मेशन हो जाएगा और थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी रहेगा। तो इसके साथ साथ बिजली गिरने का काफी चांसेस है। क्लाउड टू ग्राउंड लाइटनिंग बहुत ज्यादा रहती है तो ये इसका प्रिकॉशंस लेना बहुत जरूरी है। अभी ऑलरेडी हमने इसके लिए चेतावनी दिया है बट आने वाले दिनों में भी ये कंडीशंस रहेगा तो उसको प्रिकॉशंस लेना है। और मानसून का स्थिति देखा गया तो मानसून अभी ऑलमोस्ट महाराष्ट्र में हल्के से एडवांस किया और ईस्टर्न साइड में भी हल्के से एडवांस किया बट आने वाले दिनों में एक एंटीसाइक्लोनिक सर्कुलेशन मिडिल ट्रोपोस्फेयर में सेट होने का चांसेस है और उसकी वजह से सेंट्रल इंडिया में बारिश कम होने का ही चांसेस है। तो आने वाले 3-4 दिन में मानसून का एडवांसमेंट हम ओडिशा और छत्तीसगढ़ ये रीजन में एक्सपेक्ट कर रही है एमपी में आने के लिए और भी कुछ दिन हमें वेट करना पड़ेगा। थैंक यू।